मतलब कि हम बीच में खड़े हैं हमारी बाइंग प्राइस लेके, और इस तरफ हमारा एक रिस्क वाला रास्ता है और इस तरफ हमारा प्रॉफिट वाला रास्ता है। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जिया स्वागत करता हूँ सभी का हमारे YouTube चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। दोस्तों ये वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगी और विद पॉइंट टू पॉइंट रहेगी, और ये इन कंटिन्यूशन ऑफ लास्ट वीडियो है जहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था कि स्टॉप लॉस क्या होता है, टेक प्रॉफिट क्या होता है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और उसको किस तरह से एक्सचेंज में डाला जाता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये आए कि मैं थोड़ा प्रैक्टिकली करके बताऊं कि किस तरह से एक्सचेंज पे डाला जाता है और क्या स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को एक साथ डाला जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो उसको किस तरह से किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले फिर से आपसे ये कहूँगा कि लाइक का बटन है उसको क्लिक करिए, इतना क्लिक करिए ताकि वो नीला हो जाए, और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सबसे पहले आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन मोड पे देखिए, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो भी फुल स्क्रीन पे देखिए, लैपटॉप पे है तो भी आप फुल स्क्रीन देखिए, ताकि यहाँ पे जो मैं रेट्स वगैरह दिखा रहा हूँ वो आपको क्लियर कट दिखे, क्योंकि यहाँ मैं बाइनेंस का ऐप यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये भी थे कि अगर मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ तो मैं ऐप के ऊपर बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग ऐप के थ्रू ही करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बाइनेंस का ऐप ओपन करके रखा है, और यहाँ पे जिस पेयर के बारे में आपको बता रहा हूँ वो है XLM स्टेलर विथ BTC का पेयर है। XLM का जो करंट रेट चल रहा है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 3685 सतोशी का चल रहा है, और जब मैं कैलकुलेट कर रहा था तो वो 3640 चल रहा था, इसलिए राइट साइड पे मैं 3640 का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो सपोज करिए मार्केट है 3640, इस पे मैं बाय कर रहा हूँ 3640 पे, ये मेरी बाइंग प्राइस हो गई। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 92 मेरे पास XLM पड़े हैं, यानी आप एग्जाम्पल समझिए कि 3640 के रेट पे मेरे पास 92 XLM पड़े हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ मुझे नुकसान ना हो, और एज पर द लास्ट वीडियो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि ठीक है चलो अगर मैं रिस्क उठाता हूँ तो 5% का उठाता हूँ, तो उतना नीचे तक अगर जाता है तब तक मैं होल्ड करूंगा, अदरवाइज मैं वहां से अपनी पोजिशन क्लोज कर दूंगा विथ 5% लॉस। तो इसको कैसे सेट करना है आपको देखिए, यहाँ पे जाना है, सेल पे जाना है, ओके। और सेल पे यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट, तो आपको जाना है स्टॉप लिमिट पे, ओके। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखेंगे, स्टॉप देखेगा और लिमिट देखेगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी स्टॉप लॉस की लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो एज पर द लास्ट वीडियो जो हमारा कैलकुलेशन मेथड था, 5% है तो 100 - 5 95 * हमारी बाइंग प्राइस जो है 3640 सतोशी, उस पर उसके बाद हम परसेंटेज पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो स्टॉप लॉस की वैल्यू आती है वो आती है 3458। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 3458 सतोशी का लेवल, यानी कि मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ पहले, और यहाँ पे हम सेट कर देते हैं 3458। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्टॉप रखा है 3458 सतोशी का, यानी कि इस लेवल पे जब आएगा तो हमारा सेल ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, और लिमिट पे मैंने डाला है 3400, यानी कि इस रेंज तक जब आएगा तो हमारे जितने भी सेल ऑर्डर हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे विथ नियरली 5% लॉस के आसपास, ओके। और यहाँ पे है अमाउंट कितनी XLM आपको सेल करनी है, तो यहाँ पे बाइनेंस का काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप 25%, 50%, 75% या 100% डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं 100% करता हूँ तो आप देख सकते हैं 92 पूरा यहाँ पे आ गया है, और ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मेरे पास इन रिटर्न आ जाएगा 0.003128 BTC मेरे पास वापस आ जाएगा। और यहाँ पे जब मैं सेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप मैसेज पढ़ सकते हैं, इफ़ द लास्ट प्राइस ड्रॉप्स और टू और बिलो 3458 सतोशी एन ऑर्डर टू सेल 92 XLM एट ए प्राइस ऑफ 3400 BTC विल बी प्लेस्ड, यानी कि जब मार्केट प्राइस 3458 पे टच कर देगा या उसके नीचे आ जाएगा तो हमारा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा 3400 के आसपास, ओके। तो ये आप समझ गए, अगर मैं यहाँ पे यस करता हूँ तो जितने भी 92 XLM थे वो हेल्ड हो जाएंगे। अब वो हेल्ड हो जाएंगे तो उसके बाद क्या रहेगा कि मेरे पास कुछ कॉइन ही नहीं बचेंगे ताकि मैं टेक प्रॉफिट पे लगा सकूँ प्रॉफिट करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे जिन लोगों ने पूछा था कि क्या हम दोनों को साथ में लगा सकते हैं, तो देखिए अगर आप सारी क्वांटिटीज़ को यहाँ पे यूज़ करते हैं तो आपके पास कुछ क्वांटिटीज़ बचेगी नहीं ताकि साइमल्टेनियसली आप टेक प्रॉफिट लगा सकें, लेकिन उसका एक ऑप्शन है, एक हल है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, शायद आप लोग को सही लगे। तो ये सेल पार्ट का आप समझ गए। अब टेक प्रॉफिट समझाने से पहले मैं आपको बाय का भी बता देता हूँ। बाय की लिमिट डालने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बाय पे, और यहाँ पे स्टॉप लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने XLM का चार्ट्स वगैरह थोड़ा स्टडी किया है, और मैंने दो चीज़ें यहाँ पे निकाली हैं कि अभी हमारा टॉप का जो रेजिस्टेंस है 4100 का काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है स्टेलर का, अगर वो उसे तोड़ देता है स्टेलर को तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा,
तो अगर हम 4100 के आसपास बाय करते हैं तो बहुत अच्छा चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम उसमें मुनाफा ले सकते हैं। और सपोर्ट देखा जाए तो 296 का सपोर्ट है, अगर सपोर्ट तोड़ देता है तो एक्सएलएम बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा। तो मेरे पास थोड़ी सी अलग से एक पूंजी है जिसको मैंने अलग से रखा हुआ है कि अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है तो वो मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो मैं बाइक के अंदर जाता हूँ और स्टॉप BTC पे मैं सेट करता हूँ 4158। 4100 का रेजिस्टेंस है तो मैं 4158 पे रखता हूँ कि उस पर जब आएगा तब मेरी बाइक की ट्रिगर चालू हो जाए। और मैं लिमिट डालता हूँ यहाँ पे अराउंड 4160, 4160, यानी कि 4158 पे आएगा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने चालू हो जाएंगे और 4160 की जो लिमिट है वहाँ तक ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे, यानी कि बाइंग हो जाएगी। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे जितने BTC हैं उसमें से कितना BTC मैं इसमें यूज़ करना चाहता हूँ बाई करने के लिए, तो वो यहाँ पे सेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैम 50 बाई करना है तो मुझे 0.00208 BTC का लगेगा, अवेलेबल मेरे पास 0.05 अकाउंट में, तो मैं यहाँ से बाई कर दूंगा। तो जब भी वो रेट आएगा, ट्रिगर होगा, प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं टेक प्रॉफिट का। टेक प्रॉफिट का मतलब हो गया कि हम इसमें अपना प्रॉफिट बुक करें। तो हमारी जो बाइंग प्राइस है वो है 3640 सतोशी की। तो जैसे कि मैंने बताया, फॉर एग्जांपल 4100 का काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस है तो मैं उसको सेट करता हूँ एज ए टेक प्रॉफिट। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, जैसे कि हमने स्टॉप लॉस किया है वैसे ही हम सेल ऑर्डर पे जाएंगे और यहाँ पे स्टॉप लिमिट पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टॉप पे डालेंगे 4158 पे ताकि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, और 4160 का हम हमारा लिमिट डालेंगे ताकि वहाँ तक जाके ऑर्डर पूरा एग्जीक्यूट हो जाए। और यहाँ पे जितनी आप क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं, 25, 50, 75 या 100% आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मार्केट जब भी 4158 टच करेगा तो आपका जो सेल ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपकी प्रॉफिट बुक हो जाएगी। इसे हम कहते हैं टेक प्रॉफिट। अब बात आती है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को एक साथ कैसे यूज़ करना है। देखिए, एक साथ यूज़ करना तो पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ बाइनेंस जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम स्टॉप लॉस डालते हैं और सारी क्वांटिटी उसमें हम स्टॉप लॉस पर डालते हैं, फॉर एग्जांपल 92 मैं पूरा डाल देता हूँ और 92 कॉइन्स जो है वो यहाँ पे हेल्ड हो जाती हैं क्योंकि हमने एक स्टॉप लिमिट की सेल ऑर्डर डाल के रखी है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और हमारे पास कुछ कॉइन्स बचते नहीं है ताकि हम साइमल्टेनियसली टेक प्रॉफिट लगा सकें। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये रहता है कि 92 में से 50% का स्टॉप लॉस लगा के रखें और बाकी जो 50% बचता है उसका हम एक सेल ऑर्डर डालें फॉर टेक प्रॉफिट। तो एक ये ऑप्शन है, इस तरह से आप कर सकते हैं, और इस तरह से आप करेंगे तो आपको कम नुकसान होगा और ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा कि मार्केट का स्टेटस कैसा है, मार्केट का ट्रेंड कैसा है, ज़्यादा रिस्क है कि ज़्यादा प्रॉफिट है, उसी हिसाब से आपके पास जो भी 92 कॉइन्स हैं या 100 कॉइन्स हैं जो भी है उसमें से आप रिस्क का रेशियो निकाल के उतना रख सकते हैं, उसमें सेल ऑर्डर डाल सकते हैं स्टॉप लॉस का और बाकी का आप डाल सकते हैं टेक प्रॉफिट पे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग करना पड़ेगा और यही तरीका यूज़ करके आप साइमल्टेनियसली स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट डाल सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका एक ये है कि बाइनेंस की API का भी कोड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा आपको टेक्निकली एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तो वो सब आप यूज़ मत करिए। तो और अगर मैंने आपको ये 50-50% का बता दिया कि इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, अगर फिर भी आपको ये कन्फ्यूजन लगता है तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। सपोज़ कीजिए मैंने अभी 3640 रुपये बाई किया है और मार्केट काफ़ी स्टेबल है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, मतलब चांसेस ऐसा लगता है कि कहीं नीचे ना आ जाए, ओके, तो उस समय मैं सिर्फ स्टॉप लॉस एक नीचे का डाल दूंगा फॉर सेफ्टी पर्पज़, ठीक है। लेकिन अगर मूवमेंट काफ़ी अच्छी ऊपर की तरफ जा रहा है और अगर हम 5% ऊपर की तरफ है तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, उसकी जगह मैं सीधा टेक प्रॉफिट लगाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ओके। मतलब कि हम बीच में खड़े हैं हमारी बाइंग प्राइस लेके, और इस तरफ हमारा एक रिस्क वाला रास्ता है और इस तरफ हमारा प्रॉफिट वाला रास्ता है। अब जिस रास्ते के हम ज़्यादा करीब हैं तो हमें उस चीज़ को पकड़ना है। अगर हम स्टॉप लॉस के ज़्यादा करीब हैं, ठीक है, तो हम स्टॉप लॉस डाल देंगे। अगर हम टेक प्रॉफिट के थोड़े ज़्यादा करीब हैं तो हम टेक प्रॉफिट की लिमिट डाल देंगे। अगर आपको दोनों डालना है तो 50% 50% क्वांटिटी डाल के आप कर सकते हैं, ओके। तो दोस्तों ये था पूरा प्रैक्टिकली ऑन हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट ऑन बाइनेंस। और बाइनेंस के अलावा भी कुछ और एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आप स्टॉप लॉस वगैरह डाल सकते हैं, पर मैं एक्चुअली बाइनेंस ही यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको सिर्फ बाइनेंस पे बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, स्टॉप लॉस और सेल ऑर्डर में आप कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। अगर आप सेल ऑर्डर को स्टॉप लॉस समझ के सीधा डालते हैं तो इंस्टेंटली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। स्टॉप लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, जब मार्केट वहाँ पे आएगा तभी आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे और उसी लिमिट में होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो गएंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने के लिए। और ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, लाइक बटन को नीला कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद और भी अच्छी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आएंगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो
दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे नए वीडियोस और न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।